हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बेटा, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना? तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ चीज़ें जान लेंगे कि ये चैप्टर जो है सर नाम से क्लियर हो रहा है कि दो चीज़ें मेन है इसमें, यूनिट और मेजरमेंट। तो पहली चीज़ जिस पर आपको फोकस करनी है वो यूनिट रहेगी, दूसरा फिर मेजर करना, ठीक है ना? तो यूनिट सबको मालूम ही है मोस्टली, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। लेंथ, ब्रेथ, इन सबको निकालने के लिए क्या होता है, एक यूनिट यूज करते हो टाइम को बताने के लिए, सेकंड लेंथ को बताने के लिए मीटर, वेट को बताने के लिए केजी, ये यूनिट हो गई, जान ही रहे हो आपको। मेजरमेंट क्या है? किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना, ठीक है, वो क्या होता है, मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक हम देखते हैं वो है आपका नीड ऑफ मेजरमेंट। व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट? जब हम इसके पहले वाले चैप्टर में देखे थे फिजिकल वर्ल्ड में, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स में बताया था कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेनाज, ठीक है ना? तो यहाँ भी डेफिनेशन तो बदलने वाली नहीं है, वही है, बट जो सब कुछ चीज़ें चेंज होंगी थोड़ा सा, अगर हम डेफिनेशन थोड़ा मॉडिफाई करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फिजिक्स एक एन एग्जैक्ट साइंस। क्या है? फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस विच गिव्स एन एक्यूरेट नॉलेज। नॉलेज के बारे में बताया था मैंने कि नॉलेज क्या होता है, अपने आसपास की चीजों को जो हम देखते हैं, विच गिव्स एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ठीक है ना? तो ये तो हो गया फिजिक्स। अब बात है कि मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी। बेटा देखो, जब मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी, सपोज दैट कि एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं तो थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, एक छोटे से एग्जाम्पल हम कैसे समझते हैं नीड क्यों पड़ी या कैसे पड़ी। सपोज दैट कि हम एक ग्लास में पानी लिए जिसका टेम्परेचर अभी कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हमने कुछ टेम्परेचर दिया, गर्म किया, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बॉयल हो गया, उबलने लगा, यानी कि अभी 10 था, अब 100 हो गया, 10 times इंक्रीज हो गया। कितने टाइम? 10 times, यानी कि 90 इसके डिग्री सेंटीग्रेड की हाइक हुई इसके टेम्परेचर में। तो अब ये 90 क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा ये 90, जब आप उसको मेजर करेंगे तो, ठीक है ना? ये तो एक चीज़ था कि यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, तो मेजर करने के लिए समझिए ना, कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी, उनके साथ ही हम मेजर कर पाएंगे। ऐसे तो कर नहीं सकते हैं कि देख के हमने मेजर कर लिया, नहीं, कोई डिवाइस चाहिए, कोई कुछ चाहिए, या कोई टेक्निक चाहिए, कोई फार्मूला चाहिए। पढ़ा था ना आपने साइंटिफिक मेथड में, पहले ऑब्जर्व करते हैं, देखा, हमने देखा कि पानी 10 था, 10 डिग्री पे था, अभी आप देखा कि पानी 100 पे हो गया, ऑब्जर्व हो गया। ऑब्जर्वेशन के बाद जो होता है फिर आपका वहाँ पे एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? आप एक्सपेरिमेंट में क्या करते हो कि वो चीज़ वैसे हो रही कि नहीं हो रही है, तो कुछ वैसा ही है। इसीलिए मेजरमेंट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ी कि 90 डिग्री कैसे ये बढ़ा। या आप एक एग्जांपल और देख सकते, न्यूटन जी वाला, हमारा न्यूटन के बारे में तो अच्छे से मालूम हो गया होगा अब तक, बचपन से पढ़ते आ रहे। न्यूटन ने क्या देखा कि एक पेड़ था, पेड़ से एप्पल नीचे गिर रहा था, ये पेड़ था हमारा, ठीक है ना? और यहाँ से एप्पल जो लगा था, अब ये एप्पल हमारा क्या हुआ, नीचे टूट के गिर गया जमीन पे, ये देखा इन्होंने, ठीक है ना? ये तो ऑब्जर्व किया, बट अब इसको बताना है मेजर कैसे, ऑब्जर्वेशन। जब घर पे आके एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा होगा तो कुछ चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ से इसकी हाइट कितनी थी, मतलब एप्पल कितनी ऊंचाई पे था, जब वो नीचे गिर रहा था तो क्या उसकी वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट थी, एप्पल का वेट कितना था, गिरने में टाइम कितना लगा, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब मेजर करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, तो वही वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है बेटा हमारी फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना? मतलब जो नंबर मिलता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटी, और इन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, कह सकते हो आप। अब ये फिजिकल क्वांटिटी को फिर हम फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, दो क्वांटिटी में जो मेन होती हैं,
एक है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ेंगे उसको बोलते हैं बेस, ठीक है ना। ये बेस हो गया, बेस यूनिट, और ये डिराइव्ड यूनिट कहलाती है, चीजें वही रहेंगी। तो इनमें डिफरेंस करके हमने बताया है पहले। तो फंडामेंटल क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब सेल्फ से जनरेट हो रही है, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, अपने आप में सुफिशियंट है। ये क्या है, डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्या है, जो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है, ठीक है बेटा। फिर यहां आते हैं, हैव स्पेशल यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें क्या होता है, स्पेशल यूनिट होती है और इसका क्या होता है, स्पेशल डायमेंशन होता है। अभी हम देखेंगे क्या स्पेशल होता है इसमें। नो स्पेशल यूनिट, इसमें कोई भी स्पेशल यूनिट नहीं होती है और ना ही कोई स्पेशल डायमेंशन होता है। इन्हीं के थ्रू इसको हम डिराइव कर लेंगे। मेजर डायरेक्टली, इसको डायरेक्ट मेजर करते हैं, बट कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं। ध्यान रखिए आगे काम आएगा। लेंथ, मास, टाइम, ये सब जो हैं फंडामेंटल हैं। फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये सब क्या है, जो आपके डिराइव्ड हैं, ठीक है बेटा। ये तो हो गए डिफरेंस दोनों में। अब हम बेसिकली जानते हैं फंडामेंटल यूनिट होती क्या है। अगर हम उनकी बात करें तो फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, इंडिपेंडेंट होती हैं। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे थे, जब मेजरमेंट की नीड पड़ी तो कोई चीज़ मेजर करना शुरू किए, उस टाइम हमारे पास सिर्फ लेंथ, मास और टाइम, तीन ही यूनिट थी। बट उन तीन यूनिट के हेल्प से हम सभी चीज़ों जो भी उस समय हमारे पास मौजूद थी उन सब का क्या कर, जो इवेल्युएशन था वो नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ा, कुछ और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी हो गई थी फंडामेंटल, वो कितनी थी, सात थी। इसमें सात आपकी बेसिक थी जिसको फंडामेंटल बोलते हैं, और दो क्या थी आपकी, सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। हम देखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल की जब बात करते हैं, किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी ट्रीटेड इन डी पेंडेंटली, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं होती है, ठीक है ना, ये ठीक है। और उसके बाद क्या बताएंगे, अब देखो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी में से हम अगर हम इसकी बात करते हैं, यूनिट कौन कौन सी है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट की, जब हम बात करना शुरू करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट जो है बेटा हमारे पास, तो मैंने बताया था आपको, फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका बेसिक एसआई क्वांटिटीज, ठीक है ना। या ये फंडामेंटल यूनिट्स के क्या हो गए हमारे पास, क्वांटिटी हो गई, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, क्या बताएंगे कि एक कॉलम बनाएंगे इसका, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का, क्वांटिटी में नाम बता देंगे कौन कौन सा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे उसका यूनिट क्या है, और फिर उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं, हो सकता है आपको अच्छी लगे तो वो याद करिए, किसी और टेक्निक से याद कर लीजिएगा। लमत्ते एलक्यू, क्या बोलते हैं इसको, लमत्ते एल क्यू, ठीक है। और भी कोई टेक्निक आपको अच्छी है उसे याद कर सकते हैं। एल जो है बेटा वो हमारा क्या है, लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर हमारा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे टाइम, फिर दूसरे टी फॉर टेम्परेचर, फिर ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एल ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना।
और क्यू फॉर क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, यूनिट लेंथ की यूनिट आपको अच्छे से मालूम है क्या होती है हमारी, मीटर। मास की क्या होती है, किलोग्राम, किलोग्राम। टाइम की सेकंड, मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको केजी से, इसको सेकंड से, ठीक है ना। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में करते हैं, केल्विन में करते हैं, कैपिटल के, ठीक है ना। क्या होता है आपका, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए से करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, एम ओ एल ही लिखते हैं, बट जब सैम्बल लिखेंगे तो एम ओ एल लिखेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गई हमारी कौन कौन सी, ये आपकी हो गई बेसिक, ठीक है ना, बेसिक। और जो आपकी दो और बच रही थी कौन सी, सप्लीमेंट्री, उनको हम देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। सप्लीमेंट्री देखते हैं, सप्लीमेंट्री कौन कौन सी है। और ये ट्रिक जो लिखी हुई है, अगर अच्छी लगती है तो इससे याद कर लीजिए, याद रहेगा, बाकी अगर वैसे याद है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मेरा अपना वो था, आपको अच्छा लगता है इससे याद करिए ना, जैसे मर्जी वैसे याद करिए, याद होना चाहिए बेटा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में सिर्फ दो आती हैं, प्लेन एंगल के लिए और सॉलिड एंगल के लिए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये होता है हमारा रेडियन और ये होता है स्टे रेडियन। सैम्बल जो इसका होता है वो आर ए डी होता है और इसका होता है एस आर। ये तो थी हमारी क्या, बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स जो मिलके बनी थी। इसके बाद फिर आप डिराइव, डिराइव मतलब ऐसा नाम से क्लियर है, जो किस पे डिपेंड करती है, इन्हीं फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, तो उससे मिलके बनेगी, ठीक है ना। डिराइव जैसे हमने बात की थी फोर्स की, वर्क की, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया आपका, ये सारी चीज़ें किससे मिलके आएंगी, ये फंडामेंटल्स मिलके बनती है। ओके, इसको याद करना ज़रूरी है बेटा। तो अभी जो इसका दूसरा पार्ट है वो डिराइव यूनिट, डिराइव यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल से मिलके बनती है। हम यहाँ देख लेंगे, डिराइव मतलब विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे हम यहाँ वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एल बी एच, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम यूनिट जो निकाल, ये भी क्या है, वॉल्यूम क्या, डिराइव क्वान्टिटी है, तो यूनिट क्या होगी, डिराइव यूनिट होगी इसकी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा इसका यूनिट। सेम एज वेलोसिटी का निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये भी क्या है आपकी, डिराइव एक हमारी क्वांटिटी है या डिराइव यूनिट है, तो ये जो इसकी यूनिट आएगी वो डिराइव यूनिट हो जाएगी। तो यूनिट निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसका सेकंड, तो क्या हो गया आपका, मीटर पर सेकंड। अगर हमें स्पीड निकालना है सेम एज, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकेंड, या यू कैन से दैट मीटर पर सेकेंड। तो ये थी हमारी क्या, डिराइव्ड, ठीक है। ओके, तो अब हम जो देख रहे हैं ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको बेटा हम क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसको आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हो। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो चार कैटेगरी में बटा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में है सी जी एस, सेकेंड में है एफ पी एस, थर्ड एम के एस और फोर्थ एंड लास्ट एस आई। तो इसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में करते हैं, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर मतलब मास जो है, क्योंकि ये तीन चीज़ों को दिखा रहा है, जिसको लेंथ को, मास को और टाइम को। तो लेंथ सेंटीमीटर लिखा है हमने, मास ग्राम, टाइम सेकेंड, टाइम मोस्टली सब में सेकेंड में ही होता है। सेकेंड आते हैं एफ पी एस, लेंथ को फिट में एफ टी, और मास को पाउंड में एल बी से रिप्रेजेंट करते हैं पाउंड को, और लास्ट में सब टाइम को आप सेकंड से करेंगे। देन एम के एस में लेंथ को मीटर में, वेट या मास जो है आपका वो के जी में, और टाइम को सेकंड में। फिर आते हैं हम एस आई यूनिट पे, तो अभी मैंने इसके पहले ही बताया था आपको एस आई यूनिट, ठीक है ना। तो एस आई यूनिट को जो बताने से पहले बताया था कि एस आई यूनिट एक्चुअल में होती क्या है, वो दो तरह की यूनिट बटी होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती है आपकी बेसिक, सॉरी डिराइव यूनिट, ठीक है ना, उसकी पार्ट की बात कर रहा था, डिराइव यूनिट। तो यहाँ पे जब बात करते हैं, उसमें आपके साथ थे कौन से, लमत्ते, एल क्यू, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर,
इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, एल और क्यू से क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये सात हो गए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का रेडियन और एस्टेरेडियन, ये सात इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो अभी हम देखते हैं एसआई प्रीफिक्स, ठीक है ना। प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ के तो क्या लगता है, पहले लगता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीफिक्स, ठीक है ना, जो कहीं भी पहले लगाया जाता है। तो क्या है, टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए वेरी स्मॉल और फॉर वेरी लार्ज क्वांटिटी वी यूज प्रीफिक्स, हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। स्मॉल के लिए होगा उसको बोलेंगे हम लोअर प्रीफिक्स, लार्ज के लिए होगा बोलेंगे हायर प्रीफिक्स। दो पार्ट में हमने टेबल को बनाया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, मल्टीपल होता है 10^1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 10, फिर इसकी 10 × 10 100, फिर इसकी 10 × 10 × 10 1000, फिर 10^6 9 12 15 18। सैम्बल्स क्या है, डी ए स्मॉल एच, के कैपिटल एम, कैपिटल जी गीगा के लिए, टेरा के लिए कैपिटल टी, एटा के लिए कैपिटल पी और इसके लिए कैपिटल ई। फिर इसी तरह हम आते हैं लोअर प्रीफिक्स में, लोअर प्रीफिक्स में बेटा माइनस में वैल्यूज हो जाती है, जो मल्टीपल होते हैं तो सब मल्टीपल माइनस वन, यानी 0.1 वैल्यू होगी, 0.001 0.001, ऐसे −1 −2 −3 −6 −9 −12 −15 −18, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एट्टो। सैम्बल क्या है, डी सी एम स्मॉल में रहेगा, माइक्रो का ये म्यू सैम्बल होता है, नैनो का स्मॉल एन, पीको का पी होता है स्मॉल में रहेगा, फेमटो का ये एफ और इसका ए एट्टो का, ये सारी स्मॉल में रहेंगे जो लोअर प्रीफिक्स होते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद करना इसलिए ज़रूरी है कि न्यूमेरिकल में काम आएगा, और अभी ही नहीं 11th 12th ग्रेजुएशन देन आफ्टर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करो, कहीं भी करोगे हर जगह काम आएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स बिना याद किए सॉल्व नहीं होंगे। अब याद कैसे होगा उसके लिए ट्रिक है, पसंद आएगी तो याद करना, नहीं तो वैसे रट सकते हो, तो सो फार सो गुड है, ठीक है ना। देख ले क्या है, यहाँ पे डी है, यहाँ एच है, यहाँ के है, यहाँ एम है, यहाँ जी है, यहाँ टी है, यहाँ पी है, यहाँ ई है। तो अगर हम ट्रिक देखते हैं, हिंदी में लिख के बता दूँ कहो तो, या इंग्लिश में क्या बता दूँ को, दहकमगढ़, द हा मतलब डी एच, हा का मा, एम से मेगा, का से किलो, गा से गीगा, फिर दहकमगढ़ हो गया, ये क्या पढ़ेंगे इसको हम, दहकमगढ़, ते पे, ते से टी, पी से ई, पे मतलब पे को मैसेज दे सकते हैं, पे ई शॉर्ट ट्रिक है, दहकमगढ़ ते पे एक ट्रिक है, क्या है आपका ट्रिक, दहकमगढ़ ते पे, ठीक है ना, समझ आया हो तो याद कर लीजिएगा। उसी तरह इसका भी एक ट्रिक बनाया हुआ है, हो सकता है याद हो जाए आपको, देसी मुनाफा, क्या हो सकता है वो, देसी मुनाफा, डी देसी, ये डी और सी दोनों आ गए, देसी मुनाफा, डी और सी दोनों आ गए, एम फिर यू, मु ना फा, पी एफ ए, पी मू एम यू एन पी, मुना हो गया और फिर एफ ए, देसी मुनाफा। ये इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। इसको देखिए जो ये ट्रिक मल्टीपल्स है, ये कैसे याद करें होंगे आपके, कितने मालूम है ना आपको, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ है, आठ कैसे याद होंगे, 10^2 शुरू करेंगे, 1 2 3 तक तो सब ठीक है, उसके बाद प्लस 3 जोड़ते जाएंगे, 6 फिर इसमें प्लस 3, 9 इसमें प्लस 3, 12 इसमें प्लस 3, 15 और इसमें प्लस 3, 18 सेम है, यहाँ कर देंगे लिखते समय वही, बस लोअर प्रीफिक्स है तो साइन क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा, ठीक है प्रीफिक्स। ओके बेटा, तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक पढ़ा था, अगर वो समझ में आया होगा तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, बाकी दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी बाय यूजिंग सुटेबल प्रीफिक्स, मतलब कुछ वैल्यू दी है उसको
प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना। तो क्वेश्चन हमारा ये है 1 2 3 3 3 3 60 है 90 है बाइट में, कन्वर्ट करना है सूटेबल प्रीफिक्स में। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 90 जो 10^9 लगा दिया हमने, 1 2 3 × 10^9 और बाइट। अब ये पॉजिटिव में हायर प्रीफिक्स होगा 9, याद है दाकम गढ़ते पे, इस पे कौन सा आ रहा है दाकमगढ़ का जी, जी आ रहा है, तो 10^9 जी बी हो जाएगा, गीगा बाइट, ये लिख दिया हमने यहाँ पे 123 GB, याद रहेगा कर लोगे। इस तरह ये क्वेश्चन है हमारा, डेसिमल मत समझिएगा इसको, ठीक है ना। यहाँ पे 0 आपके समझने के लगा दिया मैंने, 3 5 टोटल कितने 50 है, 69 सेकेंड, तो हमने कन्वर्ट कर लिया 6 डेसिमल को इस साइड ले आए, ठीक है ना। डेसिमल राइट ले जाते हैं तो साइन हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रिक है ये भी, ठीक है ना। जब राइट साइड ले जाएंगे तो ना साइन माइनस हो जाएगा, 6.9 × 10^-6 सेकेंड, और यहाँ पे 10^6 क्या होता है, देसी मुनाफा पड़े हो ना, मुनाफा MU माइक्रो, ये हो गया 6.9 माइक्रो सेकेंड, गॉट द पॉइंट्स। अब दो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए, प्रैक्टिस वर्क एट होम, ठीक है ना, करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या आया इसका। 5 2 3 2 3 ये जीरो है, डेसिमल में समझिएगा, ठीक है ना, यानी कि 3 2 5 3 8 8 0 जाए, इसमें क्या है 0.336 और 4 10 टाइम जीरो है 38 मीटर में, कन्वर्ट करिएगा इसको जो आंसर होगा बताइए कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट होगा बताइएगा बेटा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी इसके पहले चैप्टर की वीडियो पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो बिल्कुल बताइए बेटा, थैंक यू सो मच।